काफ़ी एमिनेंट डॉक्टर्स हैं यहाँ इस मंच पर बैठे हुए, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया है कि मैं यहाँ इस दोपहर आपके साथ बैठकर एक बहुत ही विशेष टॉपिक जिसके बारे में हम सब अभी बात कर रहे हैं और जिस कारण हम यहाँ सब उपस्थित हैं, ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस और ड्राइव, जो कि आपने सुना ही हमारे बहुत हमारे डॉक्टर्स जिन्होंने आपको सारे स्टेटिस्टिक्स भी दे दिए। मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो शायद आपको ज़्यादा स्टेटिस्टिक्स वगैरह नहीं बता पाऊँगी, लेकिन मैं एज अ ले पर्सन एज एन एक एक इंसान के तौर पे आपसे बात कर सकती हूँ और रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। जैसे कि उन्नति जी ने कहा कि वो चाहेंगी कि मैं अपने ऑर्गन्स डोनेट करूँ, मैं करीब 4 साल पहले मोहन ऑर्गेन डोनेशन फाउंडेशन है, मोहन फाउंडेशन जो इसी विषय में बहुत सारा काम कर चुका है बट मोस्टली साउथ इंडिया बेस्ड हैं और चेन्नई के हैं और मैं उनके एम्बेसडर रह चुकी हूँ और अभी भी हूँ और मैं बहुत बहुत ही खुश हूँ और ऑनर्ड हूँ कि नानावती हॉस्पिटल ने मुझे चुना है इस बहुत ही यू नो एक ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस प्रोग्राम आगे लेके जाने के लिए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ऑर्गन डोनेशन जो है ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारी मेन जो हमारे मासेस हैं, हमारी जनता है, शहरों को छोड़ के, मैं शहरों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी और मेरी बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ जो हमारे गाँव में जो हमारे छोटे छोटे टाउन्स हैं, सिटीज़ जो छोटी सिटीज़ हैं उनमें अब तक ये एक अवेयरनेस आई नहीं है कि ऑर्गन डोनेशन है क्या। बहुत सारे प्रश्न उठते हैं लोगों के दिमाग में, कुछ कुछ रिलीजियस प्रश्न होते हैं परिवारों में कि नहीं हम तो यू नो कटवाने देंगे नहीं, जब वो चले गए हैं तो अब और क्या रह गया है वाली बात हो जाती है, लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि सबसे बड़ा पुण्य वो आगे कमा रहे हैं, उनके लिए ही नहीं है लेकिन जो आत्मा आगे चली गई है उनके लिए भी उनके हिसाब से। तो ये बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी प्रश्न हैं। जब मैंने 4 साल पहले अपना ऑर्गन्स डोनेट किए थे तो बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मेरे कुछ परिवार के जो मेरे कजन्स वगैरह थे, क्योंकि मेरे पास कार्ड्स थे जो मैं सबसे बातें करने लगी, मेरी पूरी परिवार ने ऑलरेडी डोनेट कर चुके हैं, पूरा प्लेज ले लिया है, उन्होंने अपने कार्ड्स भर दिए हैं, लेकिन छोटी छोटी ऐसे प्रश्न होते हैं कि कहाँ जाना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, अगर हम कहीं रास्ते पे मर गए तो कौन आएगा तुरंत हमारे ऑर्गन्स लेने, क्या होगा उसके बाद, मतलब कुछ लोग तो ऐसे भी पूछते हैं कि हमारी आंखें निकाल के रुई भर देंगे। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं विच आर ले पर्सन्स क्वेश्चंस, जो लोगों को समझ में नहीं आता कि एक्चुअली क्या होता है बाद में, जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि एक ऐसा आप इंफॉर्मेशन, और मैं मीडिया वालों से दरख्वास्त करूँगी कि आप ऐसे ये मैसेजेस आगे ले जाएं, क्योंकि हम तो यहाँ सब कुछ बोल देंगे, रिकॉर्ड करने वाले और छापने वाले और आगे जनता में लेके जाने वाले तो आप लोग हैं। तो लोग ये छोटे छोटे शहरों में, इन लोगों को मोस्टली डर लगता है ऐसी चीज़ों से, तो ये जो इनका परसेप्शन है हमें तोड़ना है और लोगों को इनकरेज करना है कि आप आगे आइए, ऐसा कुछ नहीं होता है, और आई थिंक देन ओनली इट विल बी अ सक्सेस, बिकॉज लुकिंग एट द मेजोरिटी ऑफ नंबर्स, जैसे कहा कि नियरली 1.25 करोड़ लोग हैं हम लोग, लेकिन उसमें से कितने लोगों को एक्चुअली जानकारी है इसके बारे में। तो ये मैसेज आप लोगों को आगे लेके जाना है और आई थिंक हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम लोगों के लिए आसान स्टेप्स बना दें। एंड मैं एक्चुअली मुबारकबाद, आई लाइक टू कंग्रेचुलेट नानावती हॉस्पिटल फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव, क्योंकि जब तक हमारे बड़े हॉस्पिटल्स और यू नो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस इस अवेयरनेस को आगे नहीं ले जा पाएंगे, छोटे मोटे लोग ये नहीं कर सकते हैं, बिकॉज जो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, सही टाइम पे ऑर्गन निकालना, उसके सही टाइम पे ट्रांसप्लांट होना, आप एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल तक लेके जाने में वो पहुंच कितने टाइम के अंदर होता है, ये सब मायने रखता है। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस आई फील फॉर हॉस्पिटल्स, बट ओनली बिग एंड वेल एस्टैब्लिश्ड हॉस्पिटल्स लाइक नानावती हैव टेकन अप दिस कॉज। आई एम एक्सट्रीमली डिलाइटेड एंड एक्सट्रीमली हैप्पी एंड आई अप्लॉड योर वर्क। ये एक चीज़ है जो एक्चुअली एक्सपेंशन है, क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर मैं करीब 4 साल पहले बन चुकी थी, मैं ऑलरेडी अपने ऑर्गन्स प्लेज कर चुकी हूँ, मैंने अपने काफ़ी दोस्तों को भी इनकरेज किया है, परिवार प्लेज कर चुका है, तो ये एक चीज़ है जिसमें मैं बहुत ही
स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ, विश्वास करती हूँ. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जब तक हैं और जब तक नहीं हैं, तो उसके आगे भी अगर हम किसी की ज़िंदगियों में खुशियाँ डाल सकते हैं, किसी के परिवार में खुशियाँ डाल सकते हैं, जो अपने नियर डियर वंस को बस उन्हीं लम्हों में खो देने वाले हैं, जाके एक ऑर्गन अवेलेबल नहीं है, जो ये बहुत बड़ी क्राइसिस है. क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही बड़ी है, और जो स्टेटिस्टिक्स दिखाते हैं कि ऑर्गन डोनेशन एक बहुत ही कम ही इस्तेमाल यू नो कॉज है, जिसमें इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है हमारे देश में. बहुत सारी जानें बच सकती हैं अगर हम इसे सीरियसली इसकी अवेयरनेस बढ़ाएं और इसका उपयोग करें. में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर कंट्रोवर्सी नहीं है, लेकिन इन कंट्रोवर्सियों की वजह से और कुछ ऐसे लोगों की वजह से एक जो आप एक अच्छाई बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो वो रुक नहीं जाना चाहिए. अ गुड कॉज कैन नॉट बी स्टॉप्ड बिकॉज ऑफ अ फ्यू स्ट्रे इंसिडेंट्स. हाँ, ऐसे बहुत से, मतलब आप कौन सी चीज़ उठा लीजिए आज दुनिया में जिसमें कंट्रोवर्सी और करप्शन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पर आप ऐसे लोगों को अप्रोच कीजिए जिनकी क्रेडिबिलिटी है, जो आप समझते हैं कि सही है. आई मीन, आज नानावती हॉस्पिटल ने ये एक यू नो कॉज सामने उठाया है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि उनके पास एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास एक नो हाउ है कि क्या करें और कैसे किस कायदे से करनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है. हाँ, वेटरन लेजेंड टाइप फील कर रही हूँ अभी, थोड़ा उसमें मुझे इंजॉय करने दो. बाय गाइस, थैंक यू.